आज हम लोग वर्ग 11 के पाठ 9 रसायन विज्ञान के पाठ 9 हाइड्रोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन का संकेत एच होता है, इसकी परमाणु संख्या एक होती है, इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है वह 1.008 AMU होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस वन होता है। इसमें हाइड्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन जो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या 0 होती है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हाइड्रोजन में 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वह 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन के हमारे प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? 3। नाम है प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं ड्यूटोरियम और तीसरे को कहते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम का संकेत होता है H11, ड्यूटोरियम का होता है H12 और ट्रिटियम का होता है H13। यानी प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटोरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब सवाल उठता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसको समस्थानिक कहते हैं। मतलब समस्थानिकों का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समान समस्थानिकों का रासायनिक गुण
समान होता है, क्योंकि उसमें जो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या समान होती है, इसलिए उसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह हमारी भूप्रपटी यानी अर्थ क्रस्ट और समुद्र में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह हमारी भूप्रपटी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% और सिलिकॉन की मात्रा 27.8%, लगभग 28% है। तो उसके बाद जो है तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कहाँ पाया जाता है? भूप्रपटी में। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। दूसरा तत्व सिलिकॉन और तीसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द से, हाइड्रो शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जल बनाने वाला। हाइड्रोजन हाइड्रो शब्द से उत्पन्न है और इसका मतलब होता है जल बनाने वाला। हमारी पृथ्वी पर हाइड्रोजन जो है मुक्त अवस्था में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यह दुनिया की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस है। इसके यह जो है अधिकांशतः यौगिक के रूप में पाया जाता है, यानी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में। तात्विक हाइड्रोजन जो होता है वह द्विपरमाणविक होता है। द्विपरमाणविक यानी H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आज भी हाइड्रोजन के स्थान जो हैं अनिर्णित हैं, चूँकि हाइड्रोजन जो है कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके कारण इसके गुण जो हैं उस स्थिति में क्षारीय तत्वों के साथ, क्षार धातु के समान, वर्ग एक के तत्वों के समान होते हैं। कभी कभी हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति करता है, जो वर्ग 17 के तत्व हैलोजन तत्वों के समान यह गुण है। तो हैलोजन तत्वों के गुण होने के कारण आज भी हाइड्रोजन के हमारे पीरियोडिक टेबल में स्थान अनिर्णित रखा गया है। हैलोजन के समान कैसे भाई? तो हैलोजन के जितने भी हैलोजन तत्व हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वह, चूंकि हाइड्रोजन में एक ही कक्षा के उपस्थित होता है, हम जानते हैं कि परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो ये को तो हाइड्रोजन के पास रहता है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और लेकर के ऋणायन बना लेता है और यह हैलोजन तत्वों के समान अपने गुण को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन के जो भौतिक गुण हैं वह इस प्रकार है। इसका द्रव्यमानांक जो होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट, वह 13.957 किलो कैल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है 20.390 होता है। देखते हैं हाइड्रोजन के भौतिक गुण। अब हम लोग
हाइड्रोजन के तीनों संस्थानिकों के भौतिक गुण के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन के तीन संस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रव्यमान, इसको जो है केल्विन में मापा जाता है। प्रोटियम का जो द्रव्यमान होता है 13.957 केल्विन होता है, जबकि ड्यूटेरियम का 18.730 केल्विन होता है, ट्रिटियम का 20.620 केल्विन होता है। ये जो है इसके द्रव्यमान यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था को बदल करके द्रव अवस्था में परिणत होने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा है क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपने द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिणत होने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो हाइड्रोजन का क्वथनांक जो है केल्विन में 20.390 केल्विन होता है, जबकि ड्यूटेरियम का 23.670 केल्विन और ट्रिटियम का क्वथनांक जो है 25.040 केल्विन होता है। तीसरा है द्रवण की एंथैल्पी, यानी द्रवण करने के लिए इसको जो है किलो जूल में हम मापते हैं। हाइड्रोजन का जो है प्रोटियम का द्रवण की एंथैल्पी 10.117 किलो जूल पर मोल होता है, ड्यूटेरियम का 0.197 किलो जूल पर मोल होता है और ट्रिटियम का 0.250 किलो जूल पर मोल होता है। वाष्पन एंथैल्पी, हाइड्रोजन यानी प्रोटियम का वाष्पन एंथैल्पी का मान 0.904 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि ड्यूटेरियम का 1.226 किलो जूल पर मोल होता है और ट्रिटियम का 1.393 किलो जूल पर मोल होता है। इसी प्रकार विघटन की एंथैल्पी यानी टूटने का जो है एंथैल्पी, वह जो है हाइड्रोजन यानी प्रोटियम का 435.880 किलो जूल पर मोल होता है, ड्यूटेरियम का 443.350 किलो जूल पर मोल होता है और ट्रिटियम का 446.900 किलो जूल पर मोल होता है। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, ये जो है प्रोटियम का 33.190 केल्विन होता है, ड्यूटेरियम का 18.350 केल्विन होता है और ट्रिटियम का 40.600 केल्विन होता है। आयरन की एंथैल्पी जो है वह प्रोटियम का 1312 किलो जूल पर मोल होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अंतर आणविक दूरी यानी दो अणुओं के बीच की दूरी जो है वह प्रोटियम में 74.140 पिकोमीटर होती है, ड्यूटेरियम में भी 74.140 पिकोमीटर और ट्रिटियम में भी ये जो दूरी होती है 74.140 पिकोमीटर होती है। अब हम लोग देखेंगे डाई हाइड्रोजन का प्रकार। डाई हाइड्रोजन जो है यानी आणविक हाइड्रोजन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं आर्थ्रो हाइड्रोजन और दूसरे को कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। अब आर्थ्रो हाइड्रोजन किसको कहेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु हम जानते हैं कि दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन अणु बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन अणु बनाता है। अब इस हाइड्रोजन अणु में जो स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, जब एक ही दिशा में होते हैं तो इस प्रकार के आणविक हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आर्थ्रो हाइड्रोजन कहते हैं, क्या कहेंगे, आर्थ्रो हाइड्रोजन कहेंगे। कब, जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह स्पिन में एक ही दिशा में हो, साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों आपस में संयुक्त हो करके कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त कर लेता है, हीलियम के जैसी, नहीं, हीलियम के जैसी प्राप्त कर लेता है,
ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, उनका न्यूक्लियर स्पिन का दिशा जो होता है वह एक ही ओर होता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन को आर्थ्रो हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा है पैरा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होगा कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियर स्पिन होगा एक का क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन रहेगा दूसरा विपरीत दिशा में। जब इस प्रकार के आणविक हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं, जब एक ही दिशा में न्यूक्लियर स्पिन करे, इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में स्पिन करता हो तो उस तरह के हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन को आर्थ्रो हाइड्रोजन कहेंगे। जब इनकी दिशा जो हो वह विपरीत हो तो इस तरह के हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बनाने की विधियां। हाइड्रोजन को मुख्यतः दो विधियों के द्वारा बनाया जाता है। एक विधि को प्रयोगशाला विधि कहते हैं, जिसका उपयोग हम विद्यार्थीगण करते हैं, और दूसरे विधि को औद्योगिक विधि कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है। प्रयोगशाला विधि में जिंक की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है। जब जिंक की अभिक्रिया, एक नंबर देखते हैं प्रयोगशाला विधि, जब जिंक की अभिक्रिया HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तब डाई हाइड्रोजन बनता है। रिएक्शन देखेंगे Zn प्लस 2HCl बनाता है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनेगा, और प्लस H2 जो है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा है जब जिंक को जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब डाई हाइड्रोजन बनता है। रिएक्शन देखते हैं, Zn की अभिक्रिया किससे कराना है, क्षार से, जलीय क्षार से, क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इससे कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट के साथ जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। जबकि औद्योगिक विधि से हाइड्रोजन गैस बनाने की चार विधियां प्रचलित हैं। इसमें पहली विधि जो है लेन की विधि है, दूसरा जल के वैद्युत अपघटन से भी डाई हाइड्रोजन बनाया जाता है, तीसरा जो है वह बोस विधि के द्वारा डाई हाइड्रोजन बनाया जाता है, और चौथा जो है यूनो विधि के द्वारा
डाइहाइड्रोजन बनाया जाता है। यानी औद्योगिक विधि जो है यह चार प्रकार की होती है। सबसे पहले यूनों की विधि। इस विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड पर एल्युमिनियम एवं जल गर्म जल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्युमिनियम के साथ गर्म जल की अभिक्रिया कराई जाती है। उसके बाद डाइहाइड्रोजन यानी H2 बनता है। कैसे बनेगा? 2Al एल्युमिनियम के दो परमाणु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और गर्म जल, इस विधि को यूनो की विधि कहते हैं। ये बनाता है सोडियम मेटा एल्युमिनेट, सोडियम मेटा एल्युमिनेट के साथ जो है 3 अणु डाई हाइड्रोजन के बनते हैं। ये यूनो की विधि। यूनो की विधि में क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्युमिनियम को गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जिसके बाद सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है और हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के 3 अणु जो हैं मुक्त होते हैं। दूसरी विधि जो है वह है लेन की विधि। इस विधि में जो है तप्त लोहे के छीलन यानी लोहा का जो बुरादा होता है उसको खूब गर्म किया जाता है। उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो भाप बनता है। क्या बनेगा? भाप बनेगा। और ऐसी स्थिति में उस भाप के साथ हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। इसमें देखते हैं 3Fe यानी लोहे के गर्म छीलन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर लौह ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन के 4 अणु जो है डाई हाइड्रोजन के वे मुक्त होंगे। जब लाल तप्त लोहे के छीलन पर जलवाष्प प्रवाहित की जाती है उसके लिए तापमान कितना है? 1173 केल्विन। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लौह ऑक्साइड के साथ 4 अणु जो हैं डाई हाइड्रोजन के बनते हैं। तीसरा है जल के वैद्युत अपघटन से। जल में अम्लीय क्षार को मिला दिया जाता है और उसके बाद जब उससे विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो जल जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें हाइड्रोजन जो है वह एनोड पर मुक्त होता है कैथोड पर मुक्त होता है और ऑक्सीजन जो है एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसको जल का विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके की अभिक्रिया होती है, एक कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है? 2H3O+
2H2O प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, 2H प्लस प्लस 2H2। एनोड पर जल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वह इस प्रकार होगी, 4OH 2H2O प्लस 4P प्लस 4P। चौथी विधि जो है उसको बोस की विधि कहते हैं। कौन सी विधि है? बोस की विधि। इस विधि में जो है 25 वायुमंडलीय दाब पर, 25 एटीएम दाब पर और उच्च ताप पर भाप अंगार गैस उत्पन्न की जाती है और उसके बाद जो है उसकी उत्पत्ति के बाद उसके विखंडन से हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी सी प्लस H2O ये बनाता है जल गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस। या भाप अंगार गैस। क्या कहेंगे? जल गैस या भाप अंगार गैस। फिर भाप अंगार गैस का मिश्रण जो है ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस डाइहाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके अगले भाग में हम लोग हाइड्रोजन के गुण के बारे में जानेंगे।